के घोरमारा की दिव्यांग वीणा कुमारी किसी तरह जमीन पर पैर और हाथ के सहारे चलती है, लेकिन कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद एएनएम की ट्रेनिंग की। लेकिन नौकरी के लिए वो पिछले 3 सालों से डीसी कार्यालय का चक्कर लगा रही है। जज्बात समाहरणालय में मंत्री बादल पत्रलेख को आवेदन दिया। मंत्री ने आवेदन डीडीसी को देकर इसके लिए व्यवस्था करने की बात कही, साथ ही कहा कि इस लड़की में कुछ करने का जुनून है। आचार संहिता खत्म होने के बाद नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। नौकरी लेना है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, विकलांग आदमी है। कितना पढ़ी हो आप? इंटर किए हैं और एएनएम का ट्रेनिंग भी पूरा हो गया है सर। अब कुछ कोई सुनवाई मेरा नहीं होता है। विधायक की जो मंत्री जी के पास कई बार आप लोग संपर्क किए? नहीं नहीं पाया सर, उतना यहाँ आए थे। हाँ। कितना बार? 2 बार आए थे, 2-3 बार। कितना साल से प्रयास कर रही है? कितना साल से दौड़ रही है कार्यालय सब में? 3-4 साल से कंप्लीट हुआ है पढ़ाई और दौड़ रहे हैं सर। और हमने कहा है कि इनके शैक्षणिक अर्हता और जिस तरह से इनके साथ मजबूरी है उसको देखते हुए कोई इनके जीवन यापन के लिए जो है नियमानुकूल जो इनकी अर्थाएँ हैं तो उस तरह का इंगेजमेंट कोई भी हो तो उसमें ज़रूर इसको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और आप भरोसा रखिए, सरकार संवेदनशील है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।